दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में। दोस्तों अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर लिस्ट में नाम चेक करना पड़ेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर लिस्ट में नाम जोड़ना होगा। तो लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहां पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में अपना नाम ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना है। आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर आने के लिए आपको यहाँ पर गूगल में टाइप कर देना है pmjoy.gov.in या आपको यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम ऐड करना है तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा ग्रीवांस पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ग्रीवांस पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेट कर लेना, आपको एक नया यहाँ पर पोर्टल पे आपको ले जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो वेट करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश आप जो फॉर्म फिल करना चाहते हो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंग्लिश सेलेक्ट करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर योर ग्रीवेंस और यहाँ पर ट्रैक योर ग्रीवेंस। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर योर ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। तो आपको क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है कुछ सेकंड। चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग ले रहा है, तो आपको वेट कर लेना, आपका यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट में PMJY सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, तो आप वेट कर लीजिएगा। वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पर ग्रीवेंस बाय बेनिफिशरी, आप यहाँ पर बेनिफिशरी हैं। फिर यहाँ पर केस टाइप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं आर यू इनरोल्ड अंडर ABPMJOY, क्या आपके पास यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का डिटेल, आप जिसके यहाँ पर आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम ऐड करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना है, यहाँ पर उसका नाम। फिर वहाँ पर उसका जेंडर या मेल या फीमेल जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसका यहाँ पर पूछ रहा है ईयर्स ऑफ बर्थ, मतलब इसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है यहाँ पर, जो उसका यहाँ पर साल का अंतिम क्या है 2003 या 2004 जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर उसका यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करके उसका यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सेलेक्ट करें, फिर उसका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर उसका यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस बोला जा रहा है, तो जो आधार कार्ड में पूरा एड्रेस है वही आपको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। फिर उसका एक ईमेल आईडी डाल देना है, या डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार नहीं लगा है, जिसमें स्टार लगा है आप उसे भर सकते हैं, उसे आपको छोड़ नहीं सकते। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीवेंस डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देख सकते बहुत सारा ऑप्शन होकर आपको यहाँ पर अदर पर टिक कर देना है। अदर पर टिक करने बाद यहाँ पर देख सकते ग्रीवेंस एजेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको PMJY आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ ग्रीवेंस में आपको PMJY आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर यह फॉर्म आप क्यों फिल कर रहे हैं, तो आपको क्यों फिल कर रहे हैं, यहाँ पर अपना आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए यहाँ पर यह फॉर्म फिल करें। तो आपको यहाँ पर लिख देना है मेरा यहाँ पर आयुष्मान लिस्ट में नाम नहीं है, अपना यहाँ पर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए यह फॉर्म फिल करें, या आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपलोड फाइल, आपको यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपको क्या करना है एक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर वहाँ पर आपको एक अपलोड ऑडियो या वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे आप ऑडियो में आपको बोल दीजिएगा मेरा यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में नाम नहीं है और यहाँ पर हम अपना लिस्ट में यहाँ पर नाम एड करवाना चाहते हैं, तो आप ये रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने बाद आपको यहाँ पर कंसेंट देकर सबमिट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, यहाँ पर उस रेफरेंस नंबर को लेकर आपको कीजिएगा, आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पर आ जाना। चलिए यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं।
तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर ट्रैक योर ग्रीवेंस इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ वेट कीजिएगा, आपको यहाँ पर UGN नंबर जो जनरेट हुआ होगा वो आपको डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं UGN नंबर जो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपको एक UGN नंबर मिलेगा, वो UGN नंबर आपको डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। आपका यहाँ पर स्टेटस शो करेगा, आपको यहाँ पर जब स्टेटस फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आपके हॉस्पिटल से यहाँ पर कॉल आएगा, अब आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आप अगर आप लिस्ट में यहाँ पर नाम एड करवाने का योग्य हैं तो आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम जोड़ देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर आयुष्मान लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।